हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट के साथ कैसे काम करते हैं। ओके, डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था, न्यू प्रोजेक्ट हमने जब क्रिएट किया था तो हमारे पास दो रेडीमेड फाइल थी। एक हमारी एक्सएमएल फाइल जिसके अंदर हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, और दूसरी जावा फाइल जिसके अंदर हम कोड सेट करते हैं। ओके, तो ये दोनों फाइल्स पहले तो स्टोर कहाँ पे होती है, मैं आपको स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों फाइल्स क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का, और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से डायरेक्टरी मिलेगी, ऐप डायरेक्टरी। ओके, अगर नहीं मिले तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लेने का, उसके बाद यहाँ पे ऐप पे क्लिक करने का। अब यहाँ पे दो डायरेक्टरी होंगी, जावा फाइल, जावा डायरेक्टरी एंड रिसोर्स डायरेक्टरी। तो जावा के अंदर जो है फर्स्ट डायरेक्टरी जो होगी उसके अंदर हमारी सारी कोडिंग वाली फाइल्स होती है। ओके, जावा फाइल्स। एंड यहाँ पे जो रिसोर्स डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारे सारी डिजाइन की चीजें होती है। ओके, डिजाइनिंग की जो चीजें होती है वो यहाँ पे होती है। ओके, तो हमारा जो लेआउट फाइल है वो हमारी लेआउट डायरेक्टरी के अंदर होगी, इसके अंदर सारी लेआउट फाइल्स होती है। ओके, तो इसे ओपन करते हैं। ओके, तो ये रही हमारी लेआउट फाइल। ओके, अब यहाँ पे सीखते हैं चीजें कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, एक रूट लेआउट है, इसे हम रूट लेआउट बोलते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को। ओके, ये एक डिफॉल्ट लेआउट होता है जिसके अंदर हमें सारा काम करना होता है। ओके, तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा जैसे ही हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि कलर्स कैसे चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो एक्शन बार है इसे एक्शन बार बोलते हैं। ये एक्शन बार यहाँ पे ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे जो है डार्क ग्रीन कलर है हमारा स्टेटस बार। तो ये कलर्स कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखते हैं पहले। तो कलर्स चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ता है हमारी रिसोर्स डायरेक्टरी पे, उसके अंदर जो वैल्यूज डायरेक्टरी है उसके अंदर आ जाएंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन फाइल्स है, तो इस पे जो कलर्स एक्सएमएल है इसे ओपन करने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन कलर जो है यहाँ पे सेट किए हुए हैं। ओके, ये जो कलर जो होते हैं इस तरीके से यहाँ पे नाम देते हैं, ये कलर का नाम होता है कलर प्राइमरी, और यहाँ पे जो कलर हमें सेट करना होता है वो हम उसका जो कोड होता है वो हम सेट करते हैं। ओके, अब ये जो नाम है ये आप जरूरी नहीं कि यही नाम सेट करें, यहाँ पे आप जो अपनी मर्जी से जो नाम देना चाहे ओके वो आप नाम दे सकते हैं कलर को, बस यहाँ पे कलर का कोड जो है वो आपको सेट कर देने का। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम कलर प्राइमरी रहने देते हैं। ओके, और ये मुझे ये ग्रीन कलर यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे कोई और कलर चाहिए। तो अब यहाँ पे कलर कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो भी कलर कोड हो यहाँ पे जो है क्लिक करने का इस पे कलर पे। ओके, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, जिसके अंदर हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ से आप जो है कलर पिकर टूल भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ओके, चूज। उसके बाद ये कलर जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तो इसे भी मैं जो है सेम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, स्टेटस बार के लिए चूज। और फाइनली ये जो कलर एक्सेंट है इसे हम वाइट कर देते हैं। ओके, वाइट। ओके, तो यहाँ पे तीनों कलर जो है हमने चेंज कर लिया, वापस से डिजाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों कलर चेंज कर लिए। अब जो ये कलर जो है ये हमारा कलर प्राइमरी डार्क है। ओके, उसके बाद ये जो लाइट कलर है ये हमारा कलर प्राइमरी है, एंड ये जो व्हाइट कलर है ये हमारा कलर एक्सेंट है। ओके, अब यहाँ पे आप मन मर्जी से जितने चाहे उतने कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कलर ऐड करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो यहाँ पे कलर ऐड करते हैं, तो इस तरीके से हमें टैग देने का कलर, उसके बाद नेम सेट करने का, कलर का नाम जो भी आप सेट करना चाहे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड। ओके, नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे कलर कोड जो है वो सेट करने का। तो कलर कोड अगर आपको याद नहीं हो तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे ब्लैक कलर का या फिर व्हाइट कलर का कोड मुझे याद होता है, जो कि है #6x0। ओके, या फिर अगर व्हाइट चाहिए तो 6x F। ओके, सिंपली यहाँ पे ये कलर सेट करने का, उसके बाद इस पे क्लिक कर देने का। तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से अब जो है हमारा जो कस्टम कलर हम सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर सेट कर लेते हैं। ओके, ये ग्रीन, ग्रीन तो मैच नहीं होगा। ओके, ये ऑरेंज ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है ऑरेंज कलर सेट कर लिया। ओके, अब इसे हम यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो वापस से यहाँ आ जाएंगे। ओके, कलर्स ऐड करना हमने सीख लिया। ओके, अब यहाँ पे पहले तो ये जो है बैकग्राउंड कलर का हमें चेंज करना हो, तो क्या करने का, यहाँ पे टेक्स्ट टैब पे आएंगे हम, टेक्स्ट टैब पे। ओके,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रूट लेआउट है। ओके, रूट लेआउट मतलब कि ये जो व्हाइट आपको जो लेआउट शो हो रहा है ये वाला, ओके, ये हमारा कंस्टेंट लेआउट है। ओके, इसे हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि अगर रूट लेआउट नहीं होगा तो हम एलिमेंट्स अंदर प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। ओके, इसे आप ऐसे मान सकते हैं, एक अगर हमें कुछ लिखना हो व्हाइट बोर्ड पे तो बोर्ड जरूरी होता है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको मार्कर से बोर्ड पे लिखना हो तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, व्हाइट बोर्ड जरूरी होता है। अगर बोर्ड ही नहीं होगा तो आप लिखोगे कहाँ पे। तो ये इस तरीके से होता है, ये हमारा एक बोर्ड मान सकते हैं जिसके अंदर हम सारी चीजें अंदर सेट करते हैं। ओके, तो कंस्टेंट लेआउट मतलब हमारा जो है मेन लेआउट होता है, रूट लेआउट। ओके, ये रूट होता है। ओके, तो अब इस पे बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, कलर। ओके, तो यहाँ पे आएंगे और एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप करने का, बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो जाएगा बैकग्राउंड ये वाला, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे कलर जो हमें सेट करना हो, एड कलर, यहाँ पे हम पाथ देंगे, एड कलर मतलब कलर डायरेक्टरी के अंदर। ओके, कलर डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चारों कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, कलर एक्सेंट, प्राइमरी, प्राइमरी डार्क एंड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कलर जो है वो सेट हो चुका है। ओके, और अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली देना चाहे, अगर कलर्स डायरेक्टली में आप सेट नहीं करना चाहे और डायरेक्टली अगर कलर सेट करना चाहते तो उस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्टली कलर कोड टाइप करता हूँ, ओके, अगर डायरेक्टली कलर कोड टाइप करता हूँ तो भी ये काम करेगा। ओके, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारा पूरा ऐप बन जाता है उसके बाद सब जगह अगर हमें ये कलर कहीं और यूज करना होता है तो अगेन मुझे ये कलर कोड जो है वो टाइप करना पड़ेगा। ओके, और अगर मैं डायरेक्टली कलर एक्सएमएल वाला जो कोड नाम जो है यहाँ पे सेट करता हूँ तो बाद में अगर मुझे पूरे ऐप का कलर चेंज करना हो तो सिंपली मुझे यहाँ पे आके सिर्फ कलर ही चेंज करने का और पूरा ऐप का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही यूजफुल रहता है, यहाँ पे कलर का नाम डिफाइन करना और उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली उसे यूज करना। ओके, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। ओके, क्योंकि इससे बाद में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो सिंपली हम यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं कलर, वरना हमें हर जगह जाके कलर कोड चेंज करना पड़ेगा अगर हम कोड से सेट करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे हम कलर इस तरीके से सेट करते हैं। अब एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, तो पहले यहाँ पे डिजाइन टाइप पे वापस से आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन टैब होगा जिसके अंदर जो कॉमन चीजें यूज होती रहती है वो होगी, उसके बाद टेक्स्ट टैब में सारे टेक्स्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे एक पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन पे आ जाते हैं और ये जो है टेक्स्ट व्यू इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे डिजाइन पे ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसे हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, अब ये जो लेआउट है, ओके, हमारा जो रूट लेआउट है ये वाला, ये मैंने आपको बताया था ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब क्या, इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट सेट करते हैं, अब मान लो ये चारों जो है इसके चारों साइड एक एक रबर बैंड जो है वो बांधा हुआ है। ओके, एक रबर बैंड बांधा हुआ है। अब ये रबर बैंड को हमें जो है कहीं ना कहीं या तो ऊपर से या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से या तो बॉटम से, ओके, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसे जो है हमें इसका जो दूसरा एंड है वो हमें कहीं ना कहीं बांधना होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम इसे ऊपर से बांध देते हैं लेआउट के ऊपर से। ओके, तो ये बांध दिया है हमने, रबर बैंड है इसलिए ये ऊपर चला गया। ओके, अब लेफ्ट साइड से बांध देते हैं हम, ओके, रबर बैंड को, तो ये लेफ्ट साइड चला गया। ओके, अब इसे राइट साइड से भी बांध देते हैं। ओके, राइट साइड से भी बांध देते हैं, तो दोनों रबर बैंड की ताकत इक्वल है, तो ये बीच में आ गया सेंटर में। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है अलाइन करते हैं। अब इसे जो है एक एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रबर बैंड जो है बांधना जरूरी होता है। ओके, वरना ये जो है रन टाइम पे हमारा जो है ये सही से पोजीशन नहीं हो पाएगा। ओके, ये हमें सही से पोजीशन इसकी सेट नहीं हो पाएगी। ओके, जब हम ऐप को रन करेंगे तो इसलिए इसे जो है कंस्ट्रेंट करना जरूरी होता है। ओके, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं मार्जिन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है कंस्ट्रेंट कर लिया है, अगर हम इसे नीचे से भी कंस्ट्रेंट कर दें तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा हमारे लेआउट के। ओके, क्योंकि चारों रबर बैंड की ताकत इक्वल है। ओके, तो अब समझते हैं मार्जिन क्या होता है। तो अब यहाँ पे इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स दिखेगा आपको इस तरीके से, जहाँ पे 8 8 8 और 8 सेट किया हुआ होगा, तो ये मार्जिन्स होती है। अब मार्जिन्स क्या होती है, मार्जिन समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, ऊपर से कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ, यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट को। ओके, बॉटम वाला कंस्ट्रेंट भी रबर बैंड जो है वो हटा लेता हूँ, यहाँ से भी राइट साइड वाला हटा लेता हूँ और इसे जो है ऊपर लेके आता हूँ। ओके, इसे जूम कर लेता हूँ
ओके मार्जिन क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मार्जिन लिखा हुआ है। 16 मार्जिन मतलब जहां से ये बांधा हुआ है उससे 16 डीपी दूर। ओके डीपी यूनिट होता है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं जीरो कर दूं तो आप देख सकते हैं ये पूरा चिपक गया है। ओके अगर मार्जिन दे दूं तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही पास में आ पाएगा, इससे ज्यादा पास में नहीं आ पाएगा। ओके तो मार्जिन इस तरीके से, इसको मार्जिन बोलते हैं। ओके अगर 32 दे दूं तो ये 32 डीपी, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा ये। ओके इतना ही क्लोज आ पाएगा, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा। ओके तो यहाँ पे आपको जितना सेट करना हो आप कस्टम सेट कर सकते हैं मार्जिन। ओके 15 या जितना आप देना चाहे दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, मतलब ये पूरा जो है क्लोज में आ चुका है, एकदम पास में आ चुका है। ओके तो इस तरीके से मार्जिन होता है, तो सब जगह से मार्जिन सेट कर सकते हैं हम। ओके तो मार्जिन ऐसे सेट करते हैं, अगेन इसे कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। ओके अब एक काम करते हैं, बॉटम से कंस्ट्रेंट नहीं करते, और मैं ऊपर से जो है पहले लेफ्ट साइड से जीरो कर देता हूँ और ऊपर से मैं 32 डीपी मार्जिन दे देता हूँ, तो ये इतना दूर रहेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ओके ओके तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट सीख लिया कैसे है कंस्ट्रेंट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं कि हम जो है इसकी हाइट एंड विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हाइट एंड विड्थ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके और कोड में से भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कोड में से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी आसान चीजें होती है वो हम यहाँ से सेट करते हैं। ओके और हार्ड कोई एट्रीब्यूट होता है वो हम कोड के थ्रू सेट करते हैं। ओके तो यहाँ पे एक लास्ट चीज देख लेते हैं, हाइट एंड विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे अब दो चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूँ हाइट विड्थ में। एक एक होता है रैप कंटेंट। ओके रैप कंटेंट यहाँ पे अभी सेट किया हुआ है, रैप कंटेंट मतलब हमारा जो टेक्स्ट की साइज जितनी होगी उतनी इसकी विड्थ और उतनी इसकी हाइट होगी। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ। ओके ये इसकी विड्थ है, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये इसकी विड्थ है। अगर मैं विड्थ इसकी यहाँ पे टेक्स्ट का जो है साइज है वो छोटा कर देता हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट टू की जगह सिर्फ टी लिखता हूँ। ओके टी, ओके यहाँ पे टी लिखना था सिर्फ टी। ओके ओके तो यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं, आप जितना टी का टी को जितनी जगह चाहिए उतना ही जगह जो है लिया। ओके यानी कि ये रैप हो गया पूरा टी के, इसकी विड्थ जो है वो रैप, इसकी विड्थ ने जो है टी को रैप कर लिया है। ओके उसके बाद अगर बड़ा टेक्स्ट होगा, ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी बड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। ओके ओके तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ आप देख सकते हैं, जितना टेक्स्ट की विड्थ है उतनी विड्थ इसकी सेट हो गई। तो इस तरीके से रैप कंटेंट मतलब जो है कंटेंट को रैप कर लेता है। ओके इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों। अब एक और एट्रीब्यूट होता है मैच पैरेंट या फिर मैच कंस्ट्रेंट। ओके यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा मैच कंस्ट्रेंट। ओके अब मैच कंस्ट्रेंट मतलब इसके जो रबर बैंड्स के एंड जहां जहां तक बांधे हुए होते हैं वहां तक उसकी विड्थ जो है वो फैल जाएगी। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है यहाँ पे एंड तक जो है फैल जानी चाहिए। मैं मैच कंस्ट्रेंट करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं विड्थ जो है वो एकदम फैल चुकी है, जहां तक हमने रबर बैंड्स बांधे हुए थे वहां तक। ओके अब यहाँ पे मार्जिन 0-0 है इसलिए ये पूरा एंड तक चली गई है। अगर मैं मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ 16 एंड यहाँ पे भी 16, तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है इससे ज्यादा फैल नहीं पाएगी। ओके तो इतनी विड्थ जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैच कंस्ट्रेंट काम करता है। ओके अगर मैं मैच कंस्ट्रेंट हाइट दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा ही चला गया है, पूरा मतलब छोटा हो चुका है, हाइट है ही नहीं। इसका रीजन इसलिए इसका रीजन ये है कि हमने इसका बॉटम, इसका जो नीचे वाला रबर बैंड है वो हमने कहीं पे बांधा नहीं है। ओके तो अगर मैं इसे यहाँ पे बांध देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है इतनी बड़ी हो गई है। ओके हाइट पूरी कवर हो चुकी है यहाँ पे। ओके तो इस तरीके से जो है हाइट एंड विड्थ काम करता है। और यहाँ पे अब हम जो है डीपी में भी सेट कर सकते हैं नंबर्स में से। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 40 डीपी सेट करना है, 40 डीपी। ओके तो यहाँ पे विड्थ 40 डीपी हो चुकी है। ओके तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ हम इस तरीके से सेट करते हैं। और आगे जो है बाकी चीजें और भी अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ओके तो हम वो चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके ये वीडियो 14 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। तो आगे और इसे कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं हम सीखेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।